सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपने अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में सुना होगा, जैसे मैं सोता रहूंगा, तुम चिल्लाते रहोगे, वे लोग हंसते रहेंगे, वह पढ़ती रहेगी, राम काम करता रहेगा। यानी ऐसे कोई सेंटेंसेस जिसमें हम कंटिन्यूटी वाली बात करते हैं और कहते हैं कि कोई काम जो है वो चलता रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आज के इस वीडियो हम यही सीखेंगे। तो ये सारे हमारे कंटिन्यूटी वाले सेंटेंसेस है। तो इन सेंटेंसेस में हम कंटिन्यूटी को बताने के लिए कीप ऑन का यूज करते हैं। साथ के साथ हम कीप ऑन के साथ लव लाइफ वाले भी कई तरह के सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं, जैसे मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा, मैं तुम्हें सताता रहूंगा, मैं तुम्हें याद करता रहूंगा, तुम मेरा इंतजार करती रहोगी, मैं तुम्हारी आंखों में देखता रहूंगा, मैं तुम्हें हमेशा हंसाता रहूंगा। यानी ये सारे सेंटेंसेस भी जो है हम कीप ऑन के साथ ही बनाते हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम कीप ऑन के साथ कैसे बनाएंगे, ये हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम कीप ऑन के बेसिक ग्रामर को समझेंगे। अगर आप इसके बेसिक को समझ जाते हैं, उसके बाद लव लाइफ वाले जितने भी सेंटेंसेस है उस तरह के ढेरों सेंटेंसेस आप खुद ही बना लेंगे, अगर आप इसके बेसिक को समझ जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कीप ऑन के साथ कैसे बनाते हैं। तो ये सारे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इसको बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप जो फॉर्मूले में नॉट देख रहे हैं, तो नॉट का यूज आपको सेंटेंसेस में तभी करना है जब सेंटेंसेस में नहीं वाला शब्द आ जाए। तो हमारा सेंटेंस बनेगा मैं सोता रहूंगा, आई विल कीप ऑन स्लीपिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आई और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं विल, उसके बाद कीप ऑन देन वर्ब। यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, सोने का, तो सोना हमारा हो गया यहाँ पे वर्ब यानी स्लीप। स्लीप हो गया हमारा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आई एनजी जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा हमारा स्लीपिंग। तो क्या हो जाएगा, आई विल कीप ऑन स्लीपिंग, मैं सोता रहूंगा, मैं नहीं सोता रहूंगा, आई विल नॉट कीप ऑन स्लीपिंग, यानी नहीं के लिए यहाँ पे नॉट का यूज होगा। तुम चिल्लाते रहोगे, यू विल कीप ऑन शाउटिंग, वे लोग हंसते रहेंगे, दे विल कीप ऑन लाफिंग, वे लोग नहीं हंसते रहेंगे, दे विल नॉट कीप ऑन लाफिंग, वह पढ़ती रहेगी, शी विल कीप ऑन रीडिंग, राम काम करता रहेगा, राम विल कीप ऑन वर्किंग। तो इस तरह से जो है इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं वाले शब्द आते वो हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए अब हम देखते हैं इसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव की सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में होते हैं सेंटेंसेस की शुरुआत जो होती है वो क्या वाले शब्द से होती है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सेंटेंस के बीच में कहीं नहीं वाला शब्द भी आ जाता है। यानी सेंटेंस के शुरुआत में क्या भी रहता है और सेंटेंस के बीच में कहीं भी जो है नहीं वाला शब्द भी आ जाता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे हमारे सेंटेंसेस है, क्या मैं सोता रहूंगा, विल आई कीप ऑन स्लीपिंग, क्या मैं नहीं सोता रहूंगा, विल आई नॉट कीप ऑन स्लीपिंग, क्या तुम चिल्लाते रहोगे, विल यू कीप ऑन शाउटिंग, क्या वे लोग हंसते रहेंगे, विल दे कीप ऑन लाफिंग, क्या वह नहीं पढ़ती रहेगी, विल सी नॉट कीप ऑन रीडिंग, क्या राम काम करता रहेगा, विल राम कीप ऑन वर्किंग, क्या राम काम नहीं करता रहेगा, विल राम नॉट कीप ऑन वर्किंग। अब विल नॉट को एक साथ वॉन्ट भी कह सकते हैं, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं वॉन्ट राम कीप ऑन वर्किंग। तो ये हो गया हमारे इसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आइए अब हम देखते हैं इसके WH फैमिली के साथ सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो WH फैमिली के साथ इसका फॉर्मूला होता है WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कीप ऑन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, मैं क्यों सोता रहूंगा? Why will I keep on sleeping? मैं क्यों नहीं सोता रहूंगा? Why will I not keep on sleeping? तुम क्यों चिल्लाते रहोगे? Why will you keep on shouting? वे लोग क्यों हंसते रहेंगे? Why will they keep on laughing? वह क्यों नहीं पढ़ती रहेगी? Why will she not keep on reading? राम क्यों काम करता रहेगा? Why will Ram keep on working? राम क्यों नहीं काम करता रहेगा? Why will Ram not keep on working? तो इस तरह से आपने देखा कि इसके WH फैमिली के साथ सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। WH फैमिली वाले सेंटेंसेस वो सेंटेंस होती है जिसमें WH फैमिली के वर्ड आ जाते हैं, और WH फैमिली के वर्ड वो सारे वर्ड होते हैं जिस वर्ड की शुरुआत जो है WH से होती है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, इसमें क्या होता है WH वाले वर्ड जो है इसमें होता ही होता है। तो इस तरह से जो आपको इस सारे सेंटेंसेस को बनाना है कीप ऑन का यूज करके। आइए अब हम एक सेंटेंस से इन सारे सेंटेंस के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। तो हमारा सेंटेंस है, वह सोता रहेगा, ही विल कीप ऑन स्लीपिंग। वह नहीं सोता रहेगा, ही विल नॉट कीप ऑन स्लीपिंग। क्या वह सोता रहेगा? विल ही कीप ऑन स्लीपिंग। क्या वह नहीं सोता रहेगा? विल ही नॉट कीप ऑन स्लीपिंग। वह क्यों सोता रहेगा? वाई विल ही कीप ऑन स्लीपिंग। वह क्यों नहीं सोता रहेगा? Why will he not keep on sleeping? तो इस तरह से जो आपको keep on का यूज करके इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना है। आइए अब हम देखते हैं कि उस लव लाइफ वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। वो सारे सेंटेंसेस भी इसी तरह बनेगा, इसी फॉर्मूले पे बनेगा, बस आपको वहाँ पे थोड़ा और वर्ड जो है ऐड करना है। तो जैसे हमारा सेंटेंस था, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस से पहले ये बनाना है कि मैं इंतजार करता रहूंगा, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? आई विल कीप ऑन वेटिंग। मैं इंतजार करता रहूंगा। किसका इंतजार करता रहूंगा? तो तुम्हारा। तो लास्ट में आपको लिखना है तुम्हारे की स्पेलिंग, यानी यू। आई विल कीप ऑन वेटिंग फॉर यू। मैं यूं ही प्यार करता रहूंगा, या फिर मैं ऐसे ही तुम्हें प्यार करता रहूंगा। आई विल कीप ऑन लविंग लाइक दिस। मैं तुम्हें सताता रहूंगा। I will keep on teasing you. आपको सबसे पहले जो है affirmative बनाना है, जैसे है यहाँ पे मैं तुम्हें सताता रहूंगा, तो यहाँ पे पहले आपको ये लिखना है कि मैं सताता रहूंगा। I will keep on teasing. Then last में देना है you. किसे सताता रहूंगा? तो आपको। उसके बाद हमारा next sentence है, मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। I will keep on missing you. तुम मेरा इंतजार करती रहोगी। You will keep on waiting for me. मैं तुम्हारी आंखों में देखता रहूंगा। आई विल कीप ऑन लुकिंग इन योर आईज। मैं तुम्हें हमेशा हंसाता रहूंगा। आई विल ऑलवेज कीप ऑन मेकिंग यू लाफ। तो ये तो सिर्फ कुछ सेंटेंसेस है जिसके मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। इस तरह के और भी कई सारे सेंटेंसेस जो है आप खुद से बना सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सभी सेंटेंसेस को। बस आपको इस सारे फॉर्मूले को अच्छे से समझना है, माइंड में फिट करना है, और आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से सोचना है, नोटबुक में इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी जो है आपको और अच्छे से समझ आ पाएगा। आप जो है अच्छे से कीप ऑन वाले इस कॉन्सेप्ट पे जो है आप अच्छी पकड़ बना पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।